Alo Prashant'ci. Prashant dedi. Ne yapayım? Eşim kuran. Hadi. पांडे पांडे पीछे। सबसे पहले तो मैं ये जो दो गणपति बहुत ही स्पेशल है, ये रोहन लाए थे और ये मेरे गणपति है। रोहन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे नहीं है क्योंकि वो शूट में बिजी है, तो मैं ही कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने सोचा था कि मैं इनका विसर्जन करूँगी अपने घर में, और फिर मेरा एक छोटा सा पॉट है, उस पॉट में मैं इनकी मिट्टी डाल के कुछ ग्रो करना चाहूँगी। सो ये रोहन के हैं और ये मेरे हैं। सबसे पहले रोहन की गणपति का विसर्जन करते हैं क्योंकि ये पहले आए थे। ये मिट्टी क्या है, इको फ्रेंडली है, और मैं बिलीव करती हूँ कि हमें हर साल इको फ्रेंडली गणपति ही लाना चाहिए। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। जो पानी है ये 10 दिन से गणपति बप्पा के पास में रखा हुआ है। लेट आने वालों की नो एंट्री। सो गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। थोड़ा थोड़ा इनका मिट्टी क्या है, ये जल्दी खुल रहा है पानी में अपना टाइम लेकर। तो रोहन के गणपति का विसर्जन हो चुका है, वो यहाँ नहीं है। लेट कैसे हो गया? अच्छा टाइम। और ये है मेरे गणपति, कहीं जाने है ना, मेरे टाइम का भी विसर्जन करेंगे। अगले साल ये जरूर जल्दी आएंगे। मुझे लगता है कि हमें इन्हें छोड़ देना चाहिए, ये जैसे ही खुल जाएंगे। Thank you.
जी सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि 11 दिन के बाद अब हम मायरिज से जा रहे हैं, घर का क्या माहौल रहता है? एक्चुअली घर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सूना लगेगा। रोज़ मेहमानों का आना जाना था, रौनक थी, लगता था कि घर में कोई आया है, किसी की कमी महसूस नहीं होती थी। बट फाइनली 11 दिन पूरे हो चुके हैं एंड आई जस्ट विश कि 11 दिन कोई थाम ले, बट कोई नहीं, अगले साल फिर जल्दी आएंगे एंड फिर ऐसी धूमधाम से मनाएंगे। जी हाँ बिल्कुल। एक्चुअली एक रोहन के जौहर एक मेरे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, और उनका विसर्जन मैंने घर में किया है, और एक मेरे पास पॉट था उसमें उनकी मिट्टी डाल के मैं डेफिनेटली कुछ ग्रो करूँगी। मुझे लगता है कि सबको करना चाहिए। मेरे जो गणपति है उनका विसर्जन मैं एक आर्टिफिशियल पॉन्ड में करूँगी, विच डज नॉट कॉस्ट पोल्यूशन एट ऑल। एंड मैं ये चाहूँगी कि ऐसे और आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बने ताकि सीज बच सके, हमारे लेक्स बच सके, एंड इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर द एनवायरनमेंट। जी हाँ, एक्चुअली कुछ है एंड वो आपको पता चलेगा, आई गेस आपको 4-5 दिन में ही पता चल जाएगा, एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर दैट। ऑल्सो विश ये है कि अगले साल मेरे न्यू हाउस में आए, सो फिंगर्स क्रॉस्ड एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। We'll be right back.